टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास एट ग्रेड के लेसन 5 द मिरर एंड हिज गोल्ड की फुल एक्सरसाइज। कैन यू हियर मी? या आई एम सीरियसली से दैट कि ये जो है 8 ग्रेड प्रश्न बैंक अभ्यास पुस्तिका की फुल एक्सरसाइज है भाई। हाँ जी, आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। सिलेबस अगर आप सभी को देखना है तो सिलेबस पूरा आपको पूरा लिंक प्रोवाइडेड है आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे स्टार्टिंग से कि कहाँ से हम लोग चलेंगे। सो सबसे पहले इसमें दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आप हमें अगर कहीं भी एरर प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो ले आऊँगी। और हाँ जी, एप्लीकेशन जो शॉर्ट वाली है वो भी आने वाली है, जो एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था। सो वो तो सबसे पहले आनी है, जो चीज़ की है मतलब आप लोगों ने बोली है तो वो सबसे पहले रहेगी, ठीक है। हाँ तो चलिए, सही विकल्प चुनकर लिखें, ये बात है किसकी? मिज़र एंड हिज गोल्ड की। तो मैं इन शॉर्ट में थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि जो मिज़र एंड हिज गोल्ड की बात की जाए, सो एक कंजूस व्यक्ति था जिसका गोल्ड, जो पूरी जीवन भर की कमाई सोना चांदी की बात हो रही है, सो वो कहाँ रखता था? वो एक गड्ढे में रखता था और डेली उसको देखता था। वो बहुत कंजूस था तो उसे देख कर ही अपनी आत्मसंतुष्टि कर लेता था। सो दैट वाज अ स्टोरी मैंने जो इन शॉर्ट में आपको सुनाई। बट इसमें आपको अगर फुल स्टोरी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट डज द मिज़र कीप इन द होल। अभी मैंने बताया कि वो एक गड्ढा था जिसमें उसका पूरे जीवन की कमाई थी, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेजर, खजाना। वही बोलेंगे ना कि हमारी पूरी जो जायदाद ज़मीन जो भी है सब उसी के अंदर है, सो उसको ट्रेजर बोला जाता है, ठीक है। सो आंसर मैं आपको दिया है ट्रेजर, सॉरी गलत से ये वाला है, ये देखिए ट्रेजर, ठीक है, आपको समझ आया। अभी हम सेकंड देखेंगे कि हु कम रनिंग अप व्हेन द मिज़र मेड अ टेरिबल क्लैटर। जब उसने एक भयंकर आवाज़ निकाली, लाइक हमको कभी कोई चीज़ हमारी घूम जाती है या हम कभी डरस आते हैं तो हम कौन सी आवाज़ निकालते हैं, बड़ी खौफनाक टाइप की, हमें बहुत ज़्यादा वो रहता है। सो उसने कैसी आवाज़ निकाली थी भाई? उसने भी वैसी ही आवाज़ निकाली थी, बहुत ज़्यादा टेरिबल वॉइस थी, और यहाँ पर इसमें बोला गया है टेरिबल क्लैटर, ठीक है। अभी हमको बताना है कि जब उसने वो आवाज़ निकाली थी तो वहाँ पर कौन आया था, तो उसके जो निवर्स थे सारे वही आए थे। सो सही आंसर क्या है आपका? ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बैडी सॉ टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको क्या लिखना है, एक या दो वाक्य में ही उत्तर, वाक्य नहीं वर्ड में उत्तर लिखना है। मतलब कि मैं अगर वर्ड की बात कर रही हूँ, सो दैट इज़ मीन्स कि मैं बात कर रही हूँ एक, अपन बोलते हैं ना एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दो, या हिंदी में बोलते हैं ना एक शब्द में उत्तर दो, तो वो होता है। सो ये भी वही है। अभी हम इसमें देखेंगे क्या क्वेश्चन आप सभी के, कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ ऑफन डज द मिज़र कम टू सी हिज ट्रेजर, ठीक है। सो इसमें बोला था कि जो ट्रेजर मतलब जो मिज़र है वो ट्रेजर देखने के लिए कब और कैसे आता था, तो वो एवरी डे आता था उसे देखने के लिए, ठीक है। अक्सर नहीं, वो डेली ही आता था, पर डे उसका यही काम था। तो देखिए इसमें आप अभी एक माइंड में क्वेश्चन जा रहा होगा आप सभी की, कि दीदी ने बोला कि जो मतलब मैम ने बोला कि एक वर्ड में उत्तर देना है, बट इसमें तो पूरा आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है द मिज़र कम टू सी, ये देखिए टू सी हिज ट्रेजर, आंसर आपका क्या है देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। एवरी डे क्या है, एवरी डे दैट इज़ आ आंसर, ठीक है, ये है आपका आंसर, ठीक है, ना कि जो आपने मतलब ऐसा बोला, सॉरी दैट इज़ एन आंसर, सॉरी ये जो एवरी डे है ना यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पूरा सेंटेंस आंसर नहीं, वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करते हैं वो चीज़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हु टुक अवे द मिज़र्स गोल्ड, जो मिज़र्स का गोल्ड था मतलब जो खजाना था उसे कौन लेकर चला गया था, तो आपको बताना है कि आ रोबर। अगर आप सिर्फ आ रोबर लिखेंगे ना, सो वो भी आपका सही ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है उसका, तो आप वो भी कर सकते हैं कि आ रोबर टू,
टुक से लेकर आपने यहाँ तक वही का वही लिख देना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ गोल्ड। आपको बताना है कि राइमिंग वर्ड क्या होती है गोल्ड की। क्या बताना है आपको कि राइमिंग वर्ड क्या होती है गोल्ड की, ठीक है। सो आप देखिए, आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला है कि अकॉर्डिंग टू योर लेसन या अकॉर्डिंग टू एनीथिंग। आपको सिर्फ राइमिंग वर्ड लिखना है गोल्ड की, तो गोल्ड की राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड आप लोग जानते होंगे कि राइमिंग वर्ड मतलब क्या होता है, कि ऐसी ऐसा वर्ड जिसे सुनने से समान ध्वनि आती है। जैसे मैंने गोल्ड बोला, अगर गोल्ड की जगह पे मतलब राइमिंग वर्ड यूज़ करूँ एक और, तो बोर्ड बोल्ड, ठीक है, गोल्ड बोल्ड आंसर सेम, मतलब कि जो रिदम थी, जो बोलने का तरीका था, जो ध्वनि थी, वो सेम ही आ रही थी। राइमिंग वर्ड का मतलब ही वही होता है कि जैसे मैंने बोला, देखना आप लोग, गोल्ड बोल्ड, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसमें बोल्ड लिखा है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको ये याद हो रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं अपन कि व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड इट। देखिए, हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसे जिसके मतलब जिसको मनी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, कि पैसा लेना बहुत, पैसा होना बहुत पसंद है, लेकिन उसे स्पेंड करना, स्पेंड से यहाँ पर मतलब ये है कि उसे खर्च करना, ठीक है, उसे खर्च करना उतना ही नापसंद है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मिज़र बोला जाता है। और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ऐसे व्यक्तियों को कंजूस, मक्खी चूस, ऐसे नामों से बोला जाता है, ठीक है। आप लोग हैं क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बताने हैं। इसमें क्या रहेगा आपको कि एक या दो वाक्य में ही आंसर देना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो आप लोग हिंदी देख लिया करें। सॉरी, मैंने कैमरा स्टैंड बुलाया था, इसलिए तो हिरर हो रहा है, बार बार गिर रहा है। मैंने बुलाया था, वो हल्का सा डैमेज निकला है, तो मैंने उसे रिप्लेस किया। जब आ जाएगा तो आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलने लगेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ मेजर्स फ्रेंड। जो मेजर का फ्रेंड था, उसका रिप्लाई क्या था जब उसने उससे कुछ बोला था। तो द फ्रेंड रिप्लाई द मेजर टू कम एवरी डे एंड लुक एट द होल। जो लास्ट में उसके निवर्ट्स ने बोला था, निवर्ट्स ही उसका फ्रेंड था, तो उसने क्या बोला था कि एक काम करना, तो यहाँ डेली आना और इस गड्ढे को देख लेना। सो आंसर इज कि कम टू एवरी डे, उसके जो फ्रेंड है उसने रिप्लाई, यहाँ से आंसर है आपका, ठीक है। द मिजर टू कम एवरी डे एंड लुक एट द होल, दैट्स इट, इतना ही बोला था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे भाई कि वॉट मेड द मिजर हैप्पी एवरी डे। जो मिज़र था वो क्या देखकर या उसे उसकी खुशी होने की वजह, डेली खुश होने की वजह क्या थी, तो एकमात्र उसका ट्रेजर था द प्रेजेंस ऑफ हिज, सॉरी प्रेजेंस ऑफ हिज ट्रेजर इन द होल मेड द मिज़र हैप्पी। जो मतलब मैं बोलूँ कि जो खजाना था, जो उसकी धन दौलती, जो भी दौलत वगैरह थी, उसे देखकर, उसकी प्रेजेंस को देखकर, मतलब उसे देखकर उस गड्ढे में, उसे मतलब वो खुश हो जाता था, अपने आप ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा हुआ है क्या, व्हाट डिड द मिजर डू व्हेन ही फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन। मतलब जो मिजर था उसने क्या किया था जब उसे मतलब पता चल गया था कि उसका जो खजाना है वो जा चुका है, ठीक है। सो उस आंसर है कि ही मेड अ टेरिबल क्लैटर। जैसे हमने बोला कि टेरिबल क्लैटर जब हम करते हैं, जब बहुत खतरनाक वाली ध्वनि निकालते हैं, जब हम कोई हादसा, कोई चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और हमारे अंदर से जो ध्वनि निकलती है वो भयंकर ही निकलती है, ठीक है। ये टेरिबल क्लैटर व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज ट्रेजर इन द होल, ठीक है। बस आंसर यही है कि ही मेड अ टेरिबल क्लैटर व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज ट्रेजर इन द होल। उसको जब अपना जो ट्रेजर है उसे होल में नहीं मिला, तो उसने बहुत ही टेरिबल क्लैटर निकाली, मतलब बहुत ही भयंकर आवाज़ निकाली। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है भाई कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर गिवन वर्ड्स। आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स देनी, तो अगर आपको देना है खुद से, आपको ये वर्ड दिए गए हैं जैसे टुक है, गोल्ड है,
मेड है प्लेजर है। ये वर्ड आपको प्रोवाइडेड है। अगर आपको खुद से बनानी है तो आप खुद से भी बना सकते हैं, और अगर आपको खुद से नहीं बनानी है तो आप ये देखकर भी कर सकते हैं, बट आपको पता चल गया कि जो राइमिंग वर्ड होती है वो क्या होती है। जैसे मैंने बोला टुक लुक बुक, इट्स अ गोल टोल्ड बोल्ड, राइट। मेड सैड हेड, सिंपल। उसके बाद प्लेजर टीजर और लिजर, सेम ध्वनि निकल रही है, सेम ध्वनि निकल रही है। इट मीन्स ये क्या है, ये है राइमिंग वर्ड। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये दो ही दिए गए हैं। और ये जो देखिए एट ग्रेड की यही तो खास बात होती है, इसमें जो है जो क्वेश्चन आंसर है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो सारे आपको बन के दिए जाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि एट ग्रेड जो प्रश्न पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका है ना, उसमें 50% का आता है। तो कुछ चीज़ें यही एग्ज़ाम में देखने को मिलती है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बन के आती है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोयम एंड री राइट। आपको क्या करना है, देखिए जो ब्लैक ब्लैक दिया है, जैसे मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ, क्योंकि इसमें क्या क्लियर नहीं होगा। होल, मेड, मिजर, टीजर, कैम, एवरीडे और प्लेजर, ये जो वर्ड पे मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये वर्ड यहाँ पर दिए ही नहीं थे, ठीक है। इसमें बोला है कि आपको क्या करना है, कंप्लीट द लाइन ऑफ पोयम, आपको जो पोयम दी गई है उसकी लाइन को कंप्लीट करना था और फिर से लिखना था। तो विद इन अ डैश था विच ही हैड मेड। देखिए एक होल के अंदर जो किसके द्वारा बनाया गया था, उसके द्वारा बनाया गया था। अब मिजर कैप्ट हिज टीजर, जो मिजर था उसने अपने टीजर को रखा था। ये स्टोरी आपने, ये जो पोयम है ये आपने तो पढ़ी ही होगी, अभी हमने पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया तो मैंने लिंक दे दिया, आप लोग चल जाना। इट लाइक 10 मिनट्स ओनली, ये सिर्फ 10 मिनट की है, और आप आई एम श्योर आप पूरा 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 समझ जाएंगे। एक बात ज़रूर देखिएगा, ही केम टू सी, वह डेली आता था, इट एवरी डे, ठीक है। द बाज हिज ओनली, उसका ये एकमात्र प्लेजर था, उसकी खुशनसीबी थी, उसका आनंद का एकमात्र स्रोत था, स्रोत। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है राइट 5 सेंटेंस अबाउट द मिजर। आपको क्या करना है, 5 सेंटेंस लिखना है मिजर के बारे में। आपके मन में कोई अच्छी बात है तो लिख दीजिए, नहीं तो ये है ही अपना कि द मिजर। पहले मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द मिजर वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गोल्ड, ही डिड नॉट वॉन्ट टू यूज दैम, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग हिज मनी, टू लुक एट हिज ट्रेजर वॉज ओनली हिज प्लेजर। देखिए जो मिजर होता है उसका एकमात्र इंटरेस्ट होता है कलेक्टिंग गोल्ड, मतलब पैसा कमाने में, यहाँ मतलब इकट्ठा करने में, सोना, इसमें सोना बोला है लेकिन ज़रूरी नहीं सोने, पूरी चीज़ों को ले रहे हैं यहाँ पर। और फिर इसके बाद क्या बोला है कि ही डिड नॉट वॉन्ट टू यूज़ देम, ये उसका यूज़ करना नहीं चाहते, इसके बाद ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उस पैसे को स्पेंड करने में, मतलब खर्च करने में, ये बस उस खजाने को देखकर ही खुश हो जाते हैं अपने आप से, ठीक है, आप समझ रहे हैं। यही थी इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और प्रश्न बैंक की लेसन 5 की फुल एक्सरसाइज भी। इसमें यूनिक क्वेश्चन है, इट मींस वेरी डिफरेंट क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और आई एम 100% श्योर दैट कि इन्हीं में से आना है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए हमेशा।